सड़क पर सिलेंडर वाली फोटो को लेकर स्मृति ईरानी को खूब ट्रोल किया जाता है और विपक्षी दलों के एलपीजी की कीमतों को लेकर ट्रोल करने पर स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू शेयर किया गया है, जिसमें स्मृति ईरानी कहती है कि विपक्षी दल मुझे जानबूझकर गैस की कीमतों पर ट्रोल करते हैं, जबकि मैं पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूं। स्मृति ईरानी के इस इंटरव्यू में यह भी दावा किया गया है कि 2014 के मुकाबले गैस की कीमतें आज के दिन कम हैं। स्मृति ईरानी के इस दावे को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से याद दिलाया गया है कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, जबकि फिलहाल 1100 रुपए से ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने स्मृति ईरानी के दावे पर कहा कि जब आप 7 दिन का कोर्स करके येल यूनिवर्सिटी से डिग्री का दावा करते हैं तो ऐसा ही ज्ञान सामने आता है। कांग्रेस पर जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी कहती है कि पेट्रोलियम मंत्री ना होने के बावजूद उन्हें ट्रोल किया जाता है, लेकिन स्मृति ईरानी भूल जाती है कि जब आप महंगाई को लेकर तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजा करती थी तो फिर आज के दिन आपसे सवाल क्यों न पूछे जाएं। आप स्मृति ईरानी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।